देखिए आप, मैं आपको भीम प्लासी राग समझा देना चाहता हूँ। इस राग में ग और नी ये कोमल लगते हैं, बाकी के सब शुद्ध स्वर है। इसमें मध्यम वादी माना जाता है और षड्ज समवादी माना जाता है। आरोह में रे और ध ये वर्ज्य किया जाता है। जैसा ये सा ग म म नि सा सा नि द ब म प ग म ग रे सा, इस माप पर इसका आरोह आरोह होता है। इसमें भी पहले दो राग के माफक ही जो अलग अलग स्वर पर आप फिरेंगे तो दूसरे राग होने का बहुत संभव होता है। ये सा ग म ग ग ग रे सा सा ग म प सा ग म प नि द प नि द द र म म म प द। ऐसे जो पद ध पर आप फिरेंगे तो भीम प्लासी स्वरूप नहीं रहता है, इसलिए ध पर नहीं फेरा जाता। म प नि ध प म प ग म नि द ग म प ग म ग रे सा, ऐसा उसमें उच्चार किया जाता है सा ग म प। अब जो इसमें रे लगाया जाए तो सारे ग म प तो काफी होता है, तो काफी तो नहीं होना चाहिए, या तो भीम प्लासी में जो काफी हो जाए तो सभी राग बिखर जाएगा, इसलिए सा ग म प ग म प नि प नि द ग रे सा नि द म म प ग म प नि सा नि द म म प ग म ग रे सा। अब रहो में सा नि द प म प ग म ग रे सा, इस बात का विस्तार पता है। अब इसमें बात संभालने की यही जरूर है कि सा ग म प ग म प, इस मार्फत जब आप तान लेंगे या बजाएंगे तो उसमें ये ख्याल रखने की बड़ी जरूरत है कि सारे ग म प ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप इसके वर्ताव में आप जितना ख्याल रखेंगे उतना आपको पता लग जाएगा कि ग ग म प नि 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 द म म प ग म ग म प ग म ग रे सा। इसमें ये भी शक मालूम हो सकता है कि गंधर्व और निषाद ये भी कभी कोई वादी संवादी मान जाए, पर ये उसके अनुवादी स्वर होते हैं। ये सा म ग ग प ग म प नि द प म प ग म प ग म ग रे सा ग म प नि, ऐसा उसमें ग और नि पर खेला जाता है, परंतु वादी संवादी स्वर शब्द और मध्यम। अब इसमें एक बजा के दिखाता हूँ, आप सुनिए।